मॉर्निंग बच्चों, मैं राजकुमार विश्वकर्मा आपको कक्षा 11 हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका पार्ट को पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, वंदना लिख लिया, कैसे बोर्ड में आते हैं वो भी आप जान गए। दूसरा चैप्टर चल रहा है जो है प्रयाग। प्रयाग में अब तक आपने जो पढ़ा वह पैराग्राफ इतिहास प्रसिद्ध है नीति निपुणा मुगल शासक अकबर नामा, ये पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया। इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो है क्या है आप स्वयं जानेंगे, लेकिन उससे पहले किताब उठा लीजिए। किताब आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके सम्मुख होनी चाहिए, कलम आपके हाथ में होनी चाहिए और कॉपी आपके पकड़ में होनी चाहिए। हमने आपको बताया कि जो भी कठिन शब्द आपको संस्कृत का लगे उसको आप शब्दार्थ के रूप में हिंदी में लिख लिया करें। हम हर शब्द का यानी हर संस्कृत शब्द का अर्थ आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चूँकि बताइए ऑनलाइन क्लासेज है इसलिए हम आपको पूछ भी नहीं सकता, लेकिन पूछने का प्रयास यहाँ से भी कर सकता। जैसे किसी पंक्ति का एक वाक यानी एक पंक्ति हमने पूरा पढ़ा, एक वाक्य मैंने संस्कृत का पूरा पढ़ा, हर शब्द का हमने आपको अर्थ बता दिया। अब यदि मेरे सामने आप होते, सम्मुख होते, तो मैं आपसे कहता कि मैंने अर्थ शब्द का तो बता दिया तो आप इसका वाक्य बनाए, लेकिन चूंकि आपको अगर यदि मैं कहूँगा तो यदि बनाएंगे तो आप अपने लिए बनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से देख तो पा नहीं रहा हूँ आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आप प्रयास किया करिए कि जैसे ही मैं कोई वाक्य पढ़ लूँ और पढ़ने के बाद उसके शब्दों का हिंदी में अर्थ बता दूँ तो आप उस हिंदी के शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाने का प्रयास करिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। शुरू करें नेक्स्ट पैराग्राफ अत इम्पोर्टेंस। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। वाक्य बनाइएगा कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलनस्य स्वतंत्रता आंदोलन का इदं यह नगरम नगर कौन सा नगर प्रयाग यह नगर प्रधान केंद्रम प्रधान केंद्र आसीत था। बना ले जरा वाक्य बनाइए, बनाइए अगर आ जाए अच्छी बात है, इसका मतलब आप मन से आ गया। अब मेरे वाक्य से मिला लीजिए आप, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर यानी प्रयाग नगर प्रधान केंद्र था। स्पष्ट हुआ, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजादोप नामक चंद्रशेखर अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमो उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन। हर शब्दों का अर्थ दें। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय और कहाँ है चर को छिपाए आजादो नामकस्य चयाए चकुवार कर दो और आजादो नामक आजाद उप नामक चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर जिनका आजाद उप नाम था अन्य और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव अस्य धन एव
कोमल संधि होगी, अस्या यानी अस माने इस, एव माने ही, इस पावन भूमि, इस पवित्र भूमि, पवित्र भूमि कौन, प्रयाग, उसी त्वा रहकर आंदोलनस्य आंदोलन का संचालनम संचालन अकुर्वन किया। वाक्य क्या बनेगा, श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय और आजाद उपनामक चंद्रशेखर च अन्य और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इस पवित्र भूमि पर ही रहकर आंदोलन का संचालन किया। जैसे श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय च आजाद उपनामक चंद्रशेखर, यानी जिनका उपनाम आजाद था चंद्रशेखर, और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इस पवित्र भूमि पर रहकर ही आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलालस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू तो नहीं है, पंडित जवाहरलाल यम क्रीड़ा स्थली, यह क्रीड़ा स्थली एक घंटा च कर्मभूमि, यानी यह क्रीड़ा स्थली और उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह कौन, प्रयाग, क्रीड़ा स्थली यानी बचपन का स्थान और कर्मभूमि है। पूरा मिला लीजिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद उप नामक चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इस पवित्र भूमि पर रहकर ही आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली यानी खेलने का स्थान, बचपन का स्थान और कर्मभूमि है। आ जाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ, जो आखिरी पैराग्राफ है गद्यांश का। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम्। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न लगा हुआ, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थित, अत्र माने यहां, स्थित माने है, यहां स्थित है कहां, प्रयाग में। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहां स्थित है, कहां है, प्रयाग में। तो हम भी बता रहे हैं प्रयाग में। अब प्रयाग में कहां, प्रयाग में कहां है हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन, नहीं देखे हो, चौक का नाम सुने हैं, चौक, इलाहाबाद के चौक में चले जाइए, वहां एक चंद्रलोक थिएटर टॉकीज है, उसी के जस्ट बगल में बना हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन है, जो बहुत ही विशाल प्रांगण में बना है, ऊंची ऊंची मजबूत चार दीवारी है, लिखा हुआ है हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है यदि हिंदी से संबंधित कोई भी समस्या आपको है
पुस्तक ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखी हुई है, पौराणिक यानी पुराण प्राचीन काल से पुस्तकें रखी हुई है, आप उसे निकाल कर पढ़ सकते हैं और उसके बाद वही जमा करके आप आ सकते हैं। वह है, लेकिन हिंदी में है, हिंदी का ही है, वह है हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन जो प्रयाग में स्थित है। अत्रैव अत्र धन एव, अत्र माने यहां, एव माने ही, च माने आओ, आओ को पहले का तो और, यही पर ही अनेक सहस्र संख्ये, अनेक माने अनेक, सहस्र माने हजारों, संख्ये माने संख्या में, यही पर ही अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश से विद्यार्थी परिवृतम, चारों तरफ से यानी देश विदेश के यानी एवं देश विदेश और चारों तरफ से विद्यार्थी विविध विद्या पारंगतम, विभिन्न विद्याओं में पारंगत माने कुशल होकर निपुण होकर विद्वरे श्रेष्ठ विद्वान यानी विद्वता को उपशोभित है सुशोभित करते थे। फिर से अत्रैव से यहीं पर ही और पहले का तो और यहीं पर ही अनेक हजारों की संख्या में चारों तरफ से देश विदेश के विद्यार्थी यहां आकर विभिन्न विद्याओं में पारंगत यानी कुशल होकर श्रेष्ठ विद्वता के लिए उपशोभित है सुशोभित होते थे। च और प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय जिसको आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहते हैं, भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य, भारद्वाज प्राचीन गुरुकुल नवीन रूप में नए रूप में शोभते सुशोभित होते हैं। फिर से और प्रयाग विश्वविद्यालय, भारद्वाज प्राचीन गुरुकुल कहाँ है, अरे भारद्वाज आश्रम देखे हैं, भारद्वाज आश्रम के ठीक सामने आप देखिए कॉर्नर पे जो बना हुआ है वही प्राचीन गुरुकुल, वही प्रभु राम उसी गुरुकुल में आए थे, भगवान श्री राम ऋषि भारद्वाज से मिलने कि मुझे कहाँ 14 वर्ष वनवास करना चाहिए उन्होंने बताया था और वही मुलाकात हुई थी। स्वतंत्र अस्मिन भारते, स्वतंत्र माने स्वतंत्र, स्वतंत्र अस्मिन माने इस भारते, भारत के प्रत्येक प्रत्येक नागरिकाणाम नागरिकों को, यानी इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्तेर अधिकार घोषणामि, समुच्चित कर लीजिए, न्याय न्याय प्राप्ते प्राप्त करने की अधिकार अधिकार घोषणा घोषणा एव ही कुर्वन करता है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट अस नगरस इस नगर की प्रतिष्ठा वर्धयत, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा, मिला लीजिए कहां से बताएं, स्वतंत्र अस्मिन इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। पूरा देख लीजिए एक बार आप हिंदी अनुवाद केवल, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन यहां यानी प्रयाग में स्थित है और यहीं पर ही अनेक हजार की संख्या में चारों तरफ से देश विदेश के विद्यार्थी विभिन्न विद्याओं में निपुण होकर श्रेष्ठ विद्वता के लिए उप
सोभिता है, सुशोभित होते थे। और प्रयाग विश्वविद्यालय, भारद्वाज प्राचीन गुरुकुल नए रूप में सुशोभित होते हैं। इस स्वतंत्र भारत के प्रतीक नागरिकों को न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर यानी प्रयाग नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता। स्पष्ट हुआ? आज दो पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको पूरा खत्म कर देंगे। एक चार लाइन का श्लोक बचा है और दो पंक्ति का संस्कृत अध्यांश। आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म कर देंगे, फिर अगले क्लास में हिंदी अखबार लिखाना शुरू करेंगे। आप इसको एक बार रिविजन अवश्य कर लीजिए। ओके, थैंक यू।